टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले रामटेक थाना अंतर्गत तुमसर घोटीटोक रोड पर रेती तस्करों के द्वारा रामटेक एसडीओ वंदना स्वरंगपते को गाड़ी से कुचल कर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसके कारण राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। रामटेक एसडीओ वंदना स्वरंगपते के द्वारा रेती तस्करों की जानकारी मिलने पर एसडीओ के द्वारा दो समूह बनाकर रेती तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें रेती तस्करों के द्वारा एसडीओ वंदना स्वरंगपते एवं उनकी टीम पर हथौड़ा, सब्बल, लोहे की रॉड ऐसे अन्य उपकरणों से हमला करने का भी प्रयास किया गया। इस कार्रवाई से कुल 8 रेती के ट्रक जब्त किए गए, जबकि 8 से 10 ट्रक भागने में कामयाब हो गए। प्रकरण को लेकर रामटेक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। हमारा जो नियमित पथक आज गश्ती पे था, उनके द्वारा आज सुबह पहर में मुझे इस इंफॉर्मेशन मिली कि लगभग 30 से 40 गाड़ियां रामटेक के हद के बाहर तुमसर तालुका में रुकी हुई है, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पे गश्त पे है या रुकी हुई है हमारी टीम हमारे हद में। इसलिए फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ से हट जाते हैं ताकि गाड़ियाँ हमारे हद में आए। तो जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ही हमारी टीम वहाँ से हटी, वहाँ से गाड़ियाँ निकलना शुरू हुआ और वो रामटेक में के हद में गाड़ियाँ आई। तो हमारी हमारी दो टीम थी मेरी, तो मेरी मैं खुद एक टीम में थी और एक हमारे नायब तहसीलदार की टीम थी। दोनों टीम ने दो बाजू से गाड़ियों को घेरने की कोशिश की। उसमें 8 से 10 गाड़ियाँ अलग अलग डायरेक्शन में भागने में सफल हुई, लेकिन 8 गाड़ियों को हमने जब्त किया है और एक गाड़ी भंडारा जो घोटीटोक मार्ग है वहाँ से वो भाग रहा था, उसको हमने पकड़ने की कोशिश की, उसको फॉलो करने की कोशिश की। तो उसके साथ में उसको कवर करने के लिए एक ग्रीन कलर की नैनो कार थी, तो वो कार हमको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, हमारी गाड़ी को सामने नहीं जाने दे रही थी और ट्रक को कवर कर रही थी एक जगह पे। जैसे ही हमने उनको ओवरटेक करके गाड़ियां रोकी, वो नैनो वाले ने हमारे ऊपर गाड़ी डालने की कोशिश की और ड्राइवर जो था वो शूटिंग कर रहा था, मेरा ड्राइवर, क्योंकि वो गाड़ी खाली करने की कोशिश कर रही थी। इन सब बात के वीडियो भी मैंने शूट किए हैं, करने की कोशिश की है। तो वो लोग मेरे ड्राइवर को भी मारने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर दौड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम फिर रुक गए और हमने उनको फॉलो किया। लगभग 10 किलोमीटर तक हमने उनको फॉलो किया, लेकिन वो गाड़ी खाली करते हुए जा रहे थे, धूल उड़ाते हुए जा रहे थे, पूरी रेत रास्ते पे गिर रही थी और बहुत अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हुए उन्होंने हमारे गाड़ी को 10 से 12 किलोमीटर तक वो नैनो कार ने हमको आगे नहीं जाने दिया, ट्रक को रोकने नहीं दिया और इस तरीके से वो ट्रक और वो खुद भी भाग निकले हैं। इस घटना में मैं और मेरी पूरी जो टीम है, हमने 8 व्हीकल्स जब्त किए हैं, उनकी इंक्वायरी और कार्रवाई उनकी चालू है और जो भाग निकले हैं उनके ऊपर हम रामटेक पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल कर रहे हैं।